नमस्कार साथियों, आज भारत के चुनाव आयोग के पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल मिला। हमने बाकायदा भारत के चुनाव आयोग को कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी दोनों साठ गांठ करके पंजाब के अंदर सरदार चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब के खिलाफ एक घटिया, सस्ता और बेबुनियाद षड्यंत्र करने में लगे हैं, बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चुनाव की हार सामने है और चुनाव की हार सामने देखकर अब वो बदनाम करने के षड्यंत्र में लगे हैं। केजरीवाल जी का तो ये चरित्र ही रहा है। पहले उन्होंने अरुण जेटली पर इल्जाम लगाए, बाद में अदालत में उससे माफी मांगी। पंजाब में पिछली बार मजीठिया पर इल्जाम लगाए, फिर माफी मांगी और मान साहब ने, भगवंत मान जी ने तो इस्तीफा भी दिया। एक बार फिर इल्जामात की राजनीति, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल मशहूर रहे हैं, गंदी इल्जामात की राजनीति से वो चुनाव की निष्पक्षता धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, पंजाबियों और पंजाबियत पर हमला बोल रहे हैं, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। हमने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वो संज्ञान लें और संज्ञान लेकर इस बदनाम करने की घटिया, सस्ती और थैंक यू फॉर वॉचिंग NT24 न्यूज, द नेशनल टेली 24 न्यूज।